हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जन्माष्टमी पर मंदिर पर कैसे सजावट की जाती है, उसके बाद मूर्ति को नदी में कैसे विसर्जित किया जाता है। वीडियो बहुत ही अच्छा है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। वाह क्या बात है, इतने ढेर सारे पैसे! अब तो मैं इन पैसों को लेकर जा रहा हूँ और लाऊंगा ढेर सारे सामान। सो गाइज इन सब पैसों से मैं अपने मनपसंद का सामान नहीं ले आ सकता क्योंकि ये सभी पैसे इकट्ठा किए गए हैं जन्माष्टमी मनाने के लिए। तो सभी लोग का सहयोग था और सभी लोग जो भी लोग पैसे दिए हैं, कॉलोनी के लोग और अगल बगल के लोग और फ्रेंड्स लोग, तो उन लोग का पैसा इकट्ठा करने के बाद सब पैसे देखिए हमारे हाथ में आ गए हैं। तो देखिए गांधी जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं और कुछ इस तरह से 50 के नोट 100 के नोट हैं और सभी लोग पैसे को बहुत ही अच्छे तरीके से गिन रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। और 10 के 20 के नोट इसमें हो गए। सो गाइस तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोग मंदिर पर सजावट कर रहे हैं और जैसा कि जितना पैसा हो पाया कलेक्ट हो पाया तो उसी के अनुसार ऐसा किया जा रहा है ताकि अच्छा सजावट हो सके। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छी सजावट हो पाए। तो आप लोग बताइए कैसी सजावट हुई हमारे इस मंदिर पर। सो गाइस इस मंदिर को जो है बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग सजावट कोशिश में लगे हुए। देखिए सुबह से लेकर आज शाम हो गया भाई और शाम को थोड़े से हम लोग आराम किए थे, फिर बीच में फिर शाम में लग गए थे ताकि अच्छे से मंदिर की सजावट हो जाए। तो इसमें थोड़ी सी सजावट अभी बाकी है और अभी तक तो हम लोग सजावट कर ही रहे हैं लेकिन आधी सजावट कल होगी। और कुछ इस तरह से देखिए हमारा मंदिर जगमगा उठा और यहाँ पर बगल में रखा गया रामू डीजे। तो रामू काका के बाद आ गया रामू डीजे और कुछ इस तरह से रात के 10-11 बज रहे हैं इस समय और 11 बजे तक इतनी सजावट पूरी कर चुके हैं हम लोग। अब फिर अगले दिन नेक्स्ट डे आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और इसकी सुबह तो देखिए कुछ लोग यहाँ पर खड़े होकर मांग रहे हैं चंदा। तो गाड़ियों वाला का तो ये सब पहले ही करना चाहिए था लेकिन हम लोग ने ऐसा नहीं किया। वैसे कुछ लड़के बोले चलो अच्छा चलते हैं देखते हैं क्या होता है, तो हमने कहा चलो अच्छा शुरू करते हैं आज का ऐसा कार्यक्रम। और तो भाई कुछ लोगों ने दिया जो मतलब खुश थे और जो मंदिर के नाम पे बोला गया भाई जन्माष्टमी दे दीजिए तो दे रहे थे। वैसे कुछ रुको सबके नहीं किया गया था तो आज पहली बार ऐसा किया जा रहा है। कुछ भाई कॉलोनी ने दिया लेकिन हम लोग को भाई टाइम नहीं है इतना क्योंकि हम लोग को सजावट करनी है। बस इतना ही करने के बाद उसके बाद हम लोग चले गए अपनी तैयारी करने के लिए। और तो तैयारी करने से पहले ही यहाँ पर हो गई बारिश। वाह क्या बात है यार, लेकिन बारिश ज़्यादा ना हो तब तो ठीक, नहीं सजावट सब बेकार हो जाएगी। और तो देखिए बच्चे लोग गए थे फूल लाने के लिए, फूल भी ज़्यादा नहीं मिला। तब पर भी मंदिर के पास एक पेड़ है और कुछ फूल मिल गए। तो अब देखिए भाई सजावट तो पूरी कर दिए थे हम लोग लाइट की और इसमें फल रखे गए हैं और हमारे घर में थोड़े से खिलौने थे तो हमने कहा चलो ले चलते हैं खिलौने और सजाते हैं श्री कृष्ण भगवान के पास। और तो देखिए हम लोग पहुंच गए मंदिर में ले जाकर खिलौने। तो कुछ खिलौने हम बनाए थे भाई, तो आप लोग देखिए खिलौने कैसे हैं। तो अब खिलौनों को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ और ताकि देखने में और भी बेहतरीन लगे। वैसे हम लोग के पास पहले के ही खिलौने थे तो आप लोग देखिए कितने खिलौने हम लोग के पास पहले से थे, छोटे छोटे ये सब हम लोग खरीदे थे। यहाँ पर एक झूला आप लोग देख सकते हैं, इसमें श्री कृष्ण और राधा जी बनाए गए हैं। और यहाँ पर साइकिल, घोड़ा, हाथी, सभी गाड़ियाँ, मतलब अलग अलग प्रकार के यहाँ पर छोटे छोटे खिलौने हैं क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को खिलौने पसंद थे ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर देखिए केले रखे हुए हैं, सेब रखे हुए हैं उनको चढ़ाने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए। और शाम हो गया है तो हम लोग ने सोचा चलो थोड़े से गुब्बारे लगा देते हैं। गुब्बारे बिना भाई हर सजावट अधूरी रहती है क्योंकि आ गया गुब्बारे का ज़माना। अब चाहे बर्थडे हो, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, कोई भी खुशी का माहौल है, अगर फंक्शन है तो उसमें गुब्बारा लगा देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से गेट पर लगाने के लिए गुब्बारा हम लोग का तैयार हो गया है। अब गुब्बारे के इस बनाए हुए गेट को अब इसमें लगाएंगे। थोड़ी परेशानी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको बनाएंगे चाहे जैसे भी, थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा लेकिन बनाएंगे ज़रूर। तो देखिए कुछ इस तरह से गेट बन गया भाई, बड़ी मुसीबत से बना क्योंकि इसका मतलब उसमें सब झाला लगा था ना तो उससे प्रॉब्लम हो रही थी। और इधर देखिए भाई एक राउंड हम लोग गुब्बारा इधर लगा दिए ताकि देखने में और भी सुंदर लगे। और हो गई ये शाम, अब आ गया प्रसाद लेने का टाइम। तो अभी वो प्रसाद नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा सा प्रसाद मिल रहा है टीका लगवाने पर, थोड़ा सा मतलब अगर वहाँ पर पैसा वैसा रखेंगे आप तो आपको थोड़ा सा प्रसाद दिया जाएगा। तो देखिए हमारे प्यारे प्यारे में आता है आ गया है मीठा मीठा प्रसाद। अब मैं इसको ग्रहण कर रहा हूँ और उसके बाद देखिए हम मंदिर पर लोगों
जो भी लोग व्रत थी वो लोग आ रही हैं, जैसे दूर के लोग जो थी। सो गाइस बच्चे भी देखिए एकदम खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि आया है यहाँ पर रामू डीजे, और कुछ लोग देखिए यहाँ पर फोटो निकाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि सजावट हम लोग के हिसाब से भाई सही की गई है, और बाकी तो भाई पानी बरस गया तो क्या किया जाए। और तो देखिए अब रात में फल को कैसे देखिए, अब फल कैसे लग रहे हैं, इसमें रंगीन लाइट लगाई गई है, और इनके पीछे आप लोग एक चक्र देखेंगे तो चक्र देखिए चल रहा है, तो इसको दिन में नहीं चलाए थे हम लोग और रात को चलाए हैं। और कुछ इस तरह से हम लोग ने प्रसाद की व्यवस्था की थी, तो हलवा बनेगा और थोड़ा सा सूखा बनेगा सबको मतलब देने के लिए, और गीला भी बनेगा। तो देखिए हमारा इधर गीला प्रसाद भी हलवा, बहुत ही बेहतरीन हलवा बना था भाई कसम से। और देखिए इसका इसका कलर देखेंगे और भी सुनहरा सुनहरा कलर, इतना गजब लग रहा है। हलवा भी भाई तैयार हो गया, हलवा को रखेंगे और उसके बाद फिर भी वितरण किया जाएगा रात को 11 बजे। इसको देखिए कर रहे हैं वाह कमर, और देखिए भाई फिर हो गई बारिश 11 बजे करीब, फिर हो गई बारिश। यार कोई बात नहीं यार, बारिश हुई लेकिन फिर बंद हो गई। और तो सभी लोग का देखिए थालियां लेकर आई थी, जो भी लोग लेडीज लोग लड़की लोग व्रत थी तो वो लोग अपना थाली लाकर यहाँ पर रख दी थी। और इधर देखिए हम लोग ले जा रहे हैं दोना पत्तल, सब डिस्पोजल है। अब यहाँ पर आ गया हमारा बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी हलवा, अब इस टेस्टी हलवा को सभी को दिया जाएगा। तो देखिए निकाल रहे हैं भाई साहब इसमें हलवा, और हलवा को लाकर हम लोग रखेंगे एक टेबल पर, टेबल पर से फिर सभी लोग भक्तगण जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर मंदिर पर, हम सभी लोग को हलवा देते हैं। तो कुछ इस तरह से हलवा आ गया है हमारा, अब हम लगाते हैं पत्तल और निकालते हैं। और अब सभी को अलाउंस किया जा रहा है कि आप लोग आइए और यहाँ से प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो देखिए टेबल पर कैसे सभी लाइन से प्रसाद को प्लेट में लगा दिए गए ताकि आराम से सब ले सके। सभी लोग प्रसाद ले लीजिए, एक दूसरे को देखिए बस, प्रसाद सभी के लिए है, हमारे ग्रामवासी घर के चाहे घर भी हो, जो भी भक्तजन यहाँ पर उपस्थित है सभी के लिए प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया। सभी से निवेदन है सभी लोग प्रसाद लेते रहे। सो गाइस तो हम लोग का जो मंदिर है सड़क के पास है, तो इस वजह से जो भी लोग आ रहे हैं रास्ते में सभी को प्रसाद दिया जा रहा है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको प्रसाद नहीं दिया जाए। भाई प्रसाद है तो सबको दिया जाना चाहिए, और सभी को हम लोग प्रसाद दे रहे हैं। और अब हमारे प्यारे प्यारे हाथों में आ गया प्रसाद, अब इसको हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रसाद देखने के बाद रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब ये हमारा प्रसाद बना है। सो गाइस तो देख सकते हैं आप लोग, और इधर देखिए बच्चा बैठा हुआ है। हरे भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट छड़ में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख सम। सो गाइस तो पूजा संपन्न होने के बाद देखिए सभी लोग डांस कर रहे हैं अपने अपने मनपसंद के गाना लगवा कर। वैसे तो 2 दिन से सिर्फ भक्ति गाना बज रहे थे, तो 12 बज गए, अब सभी पूजा संपन्न हो गए, सभी लोग अपने मनपसंद के गाना लगाया, और देखिए कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं, इनकी कमर तो गजब ही रही है भाई। सो गाइस रात को तो हम लोग बहुत ही थक गए थे, 2-3 बजे रात को सोए थे, अब सुबह देखिए भाई प्रसाद निकाल कर मतलब सभी के यहाँ भाई पहुँचाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ से हम लोग को सहयोग मिला था। तो पैकेट लाए थे, और पैकेट में कुछ इस तरह से अपने प्रसाद को हम लोग पैक करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। अब पैकेट को तो हम लोग का जो प्रसाद था
पैकेट में पैक हो चुका है, तब इसको प्रसाद को सभी ले जाएंगे। अब देखिए अब हो समय हो गया है मूर्ति विसर्जित करने का और कृष्ण भगवान की आरती उतार जा रही है। और इधर देखिए सभी लोग चंदन लगा रहे हैं अबीर से, और उसके बाद अब हम लोग यहाँ से मंदिर से लेकर निकलेंगे। और देखिए हमारे भी गालों में अबीर लग गया दो कलर का। अब उसके बाद आप लोग देखिए, सो गाइस, तो हम लोग फोर व्हीलर मतलब कोई ऐसी गाड़ी नहीं की है, जिस टू व्हीलर ही गाड़ी है हम लोग के पास, और कम लोग थे तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा चलो टू व्हीलर से ही चलते हैं और ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है। तो हम लोग तैयारी करने के बाद देखिए यहाँ भाभी से मजाक भी कर रहे हैं एक लोग, और तो कुछ इस तरह से नज़ारा है हमारे इस मंदिर का। अब चलिए अब मूर्ति को निकालते हैं क्योंकि समय हो गया है ज़्यादा। अब देखिए मूर्ति को निकाली जा रही है श्री कृष्ण भगवान की। अब हम लोग इसको बाइक पर बैठाएंगे, उसके बाद ले चलेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed. सो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं जमैथा के पास। एक गोमती नदी है, जमैथा गोमती के नदी के पास ही बसा हुआ है। तो सो गाइस फाइनली हम लोग नदी में आ गए हैं। तो भाई नदी में पानी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग भगवान। सो सभी लोग मूर्ति विसर्जित करने के बाद नदी में नहा रहे, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये लोग नदी में आए थे और पानी का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए कितने उत्साहित मतलब कर रहे हैं, कितने खुश नजर आ रहे हैं। सो गाइस, अगर आपको हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट करना नहीं भूलना भाई। और तक के लिए नमस्कार।